अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे धीरे धीरे, क्या कर रही हो तोरल? क्या फास्ट ट्रेन की तरह चल रही हो? चल हाँ, धीरे धीरे बैठ। अरे वाह, कोई फिकर नहीं तुझे तो, तेरी डिलीवरी डेट नजदीक आ रही है। अरे तू क्या कर रही हो? तेरा ध्यान रखना अपना। और देख बा, और हरी सब्जियाँ खाऊंगी यही ना। हाँ बाप, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान पूरे अच्छे तरह से रखती हूँ। अच्छा, और फिर पूरा परिवार जो है मेरा ख्याल रखने के लिए। बाप आप चिंता मत कीजिए, देखना बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होगा। जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आइए आइए। बा आज पूर्णमासी है और आप तो जानती हैं कि खोडियार माँ की पूजा पे गांव की सभी सुहागन औरतें मिलके दिया जला के पूजा करती हैं और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इसीलिए हम सब मिलके आपके घर वालों को न्योता देने आए हैं। अब सब आइएगा। हाँ हाँ जरूर है ना बेटा। हाँ बा। अच्छा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा पूजा के बहाने में चंदना से गांव में ही मिल लूंगी। चंदना को यही खोडियार माँ के कुएं के पास बुलाया था मैंने। शाम होने वाली है और वो अब तक आई क्यों नहीं? हेलो आंटी जी, मैं चंदना बोल रही हूँ। कुएं के पास में जो पीपल का पेड़ है वहीं खड़ी हूँ मैं। आप कहाँ हैं? तुम वही रुको, मैं यहाँ कुएं के पास हूँ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है चंपा? हाँ चंपा, चंदन आ गई, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ वहाँ पेड़ के पास। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि बस मैं अभी आई। ठीक है जी माँ। चंदना तुम यहाँ आई इसीलिए मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बिरवा के बारे में कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। लंदन में तुम साथ थे, तुम क्या करते थे, मुझे मुझे सब जानना है। क्या जानना चाहती हैं आप? बिरवा मायावंशी के बारे में? क्या हुआ, मुझे देख के चौंक गए हैं आप? शायद आप मेरी जगह किसी और को देखना चाहती थी। वेल वेल वेल, लेट मी गेस, क्या आप मेरी दोस्त का वेट कर रही थी? चंदना,
कर रही थी ना तुम। वेल लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है चंदना और चंदना ये है संतू, मेरे पिता की दूसरी औरत यानी सौतेली माँ। इन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, कुछ सवाल पूछने थे। तो संतू, संतू माँ क्या पूछना चाहती थी आप? पूछे पूछे। मेरे सामने मेरे बारे में पूछने में हिचकिचाहट हो रही है, क्यों? ठीक है, आपकी तरफ से मैं ही पूछ लेती हूँ। तो चंदना, चंदना तुम मेरे और सारंग के बारे में क्या जानते हो? मैं सारंग को कब से जानती हूँ? सारंग? कौन सारंग? मैं किसी सारंग को नहीं जानती हूँ। सुन लिया, तसली हो गई आपको? कुछ और सवाल पूछने हैं आपको? थैंक यू चंदना, अब तुम गाड़ी में जाके बैठ जाओ, तुम्हारी फ्लाइट कुछ ही देर में है ना? मुझे अपनी माँ से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम जाओ। ओके। आज बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आपने इतनी मेहनत से चंदना को बुलाया और आपको कुछ नहीं पता चला। सो सैड। आज नहीं पता चला, चंदना ऐसे ही ना से, पर कल किसी ना किसी से मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल ही जाएगी। प्रभा आपको जो करना है कीजिए, इनफैक्ट कर चुकी है आप। आपने मेरे सामान की तलाश ही ली जिससे आपको पता चला कि मैं और सारंग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन लेकिन संतो माँ एक बात बताइए, ये पता करके आप करेंगे क्या? हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे या नहीं जानते थे? हम दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी थी या नहीं थी, ये मेरे और सारंग के सिवा और कोई नहीं जानता। ये कहानी हमारे बीच में ही दफन हो जाएगी। हाँ संतो माँ, क्यों आप गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो? आप जिस सच को ढूंढ रही है ना, उससे बड़ा सच ये है कि मेरी शादी हो चुकी है और ये सच आप बदल नहीं सकते। वैसे एक बात बताइए, आपको इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? कोई दूसरी टेंशन, कोई और चिंता? हाँ, परसों पहले तुमने जो अपराध किया था वो अपराध फिर से तुम ना करो और किसी बेगुनाह को दंड नहीं भुगतना पड़े, इसलिए मुझे उसी चीज की चिंता है और मैं उसी की चिंता कर रही हूँ। बिरवा आप मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, समझिए आप। क्या हुआ मालकिन, कुछ बात हुई आपकी चंदना से? कुछ बताया उसने बिरवा बहन के बारे में? नहीं चंपा के लिए, क्योंकि वहाँ चंदना से पहले बिरवा आ चुकी थी, इतना अच्छा अवसर मिला था पर पता नहीं बिरवा कहाँ से आ गई। पर बिरवा बहन को किसने बताया कि चंदना आने वाली है? नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर बिरवा को पता कैसे चला। थैंक गॉड मैंने उनकी बात ही सुन ली थी और बाद में मैंने तुम्हें फोन करके बताया था। बिरवा, जो तुमने मुझे कहने के लिए कहा था वो तो मैंने कह दिया, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने अपने परिवार से ये क्यों छिपाया है कि तुम और सारंग। देखो चंदना, तुम ये नहीं जानती मैं ये बात क्यों नहीं बता रही हूँ, और इससे ज्यादा कुछ ना जानो तो वही तुम्हारे लिए अच्छा है। एनीवेज थैंक यू वेरी मच तुम यहाँ आई। तुम अपना फ्लाइट मिस कर दोगी, तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा, ठीक है? डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।